मेरा ख्याल है कि बिरादरी का जो जमीयत का मेंबर है वो तो जानता ही है, और जमीयत का जो मेंबर नहीं है उसके फैमिली मेंबर भी सब जानते हैं, और ख्वातीन भी बड़े में मशहूर हैं क्योंकि सौदागर में बेशुमार लिखा, आर्टिकल लिखे, मुरासले लिखे, अखबारात में लिखा, और लिहाजा इस और खिदमत की सीट वो है जिस पर ये खाकसार भी कुछ अरसे काम कर चुका है कि एक ऐसी सीट है कि जिसके ऊपर आज से माजी में हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि जिसको जनरल सेक्रेटरी बनाना होता था उसके घर पे 5-6 अफराद का एक वफ जाता था और उनकी ठोड़ियों में हाथ देता था और उनके पैर दबाता था कि भाई आप जनरल सेक्रेटरी बनने की रजामंदी जाहिर कर दीजिए। आज के जमाने में हम ओहदों को इसको इनाम समझते हैं, मगर यह है कि यह है कांटों भरी सीट, तो ये कम से कम 7 साल या 9 साल का तजर्बा जनरल सेक्रेटरीशिप का, और 27 साल से तकरीबन जमीयत पंजाबी सौदागरान की हर शोबे में बेपनाह खिदमत, अल्लाह वाला टाउन में, अस्पतालों में, स्कूलों में और जितने भी जमीयत के इदारे हैं उन सब में काम किया। मेरा इशारा है जनाब शेख अहमद जमीर साहब दफ्तरी, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अस्सलातु व सलाम अला खातिमुन नबी। दोस्तों, इत्तेफाक से पिछले साल 3 साल पहले जब हमारा इलेक्शन का वक्त आया तो इंतखाबात हुए नहीं, और सदर जमीयत की क़यादत में जो पैनल था वो अनअपोज इलेक्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार है, अल्लाह का शुक्र है। आज जो हम यहाँ साथी जमा हुए हैं, बुनियादी तौर पे ये वो टीम है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी मेहनतों की वजह से 35-32 साल से इंतखाबात में हिस्सा लेता रहा है और कामयाब होता है। जो यहाँ दोस्त बैठे हुए इस वक्त और जो दोस्त इस वक्त बाहर हैं या अभी तक नहीं आए हैं, ये इन सब के खुलूस और मेहनतों का समर है जो जमीयत पंजाबी सौदागराने दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। 2008 में जो इंतखाबात हुए उसके नतीजे में एक ऐसी टीम मारिज़े वजूद में आई जिसको इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र थी और फिक्र है कि बिरादरी ने जो एतमाद बख्शा है, अल्लाह तबारक व ताला ने जो जिम्मेदारी सुपुर्द की है, अब इसकी जवाबदही भी हमको अपने आप से खुद करनी चाहिए। इसी बात को पेश नजर रखते हुए हर शोबे के लिए प्रोग्राम्स बनाए और उन प्रोग्राम्स को बनाने के दौरान ऐसे अफराद का इंतखाब भी किया गया कि जो अफराद उस काम के लिए मुनासिब हो और डिलीवर कर सके। 2 साल कबल हम अपने साथ 2 ऐसे साथियों को लेकर आए जिनको हमने अपने विजन 2050 में फिट महसूस किया, क्योंकि हमारा दोस्तों का ये ख्याल था कि अकाउंट्स का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है जमीयत पंजाबी सौदागराने दिल्ली में, पहले पंजाबी हिंदी में हिसाब लिखा जाता था, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बेहतर हुआ। 1998 में सबसे पहला तोहफा मार्फत फजल रब्बी हमें फैक्स मशीन का मिला, फिर इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन हमें लाकर दिया इंटरनेट लगाने के लिए कंप्यूटर्स का, और वहां से हमने अकाउंट सिस्टम को अपने दौरे जदीद में, ये मुझे गाइड भी कर रहे हैं, तो दौरे जदीद में हमने पहला कदम रखा आईटी के। मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरे साथी हैं और मैं इनके लिए चूंकि वोट मांगने वाला हूं आपसे, वसीम शफी अल्लाह वाला से, कि प्लीज खड़े हो जाएं, और फैसल वहाब जिसके एक ब्लास्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके घर में कोई
गैस का, जिसकी वजह से वो हाथ उसके जल गए, थोड़ा सा उसके फेस की स्किन भी जल गई है, जिसकी वजह से वो नहीं है आज। लेकिन ये दोनों साथी जिन्होंने वो पूरा अकाउंट सिस्टम रीडू किया और आज की दिन के लिए और आज से आने वाले 20 बरस 25 साल के लिए उस सिस्टम को डेवलप किया, बनाया, इंस्टॉल किया, इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों के साथ एक तीसरा नाम भी शामिल है जिसके अंदर उसने भी यहाँ बड़ी कंट्रीब्यूशन करी। और लाजमी बात है कि उनका जिक्र मैं करूँगा, तारिक इलियास, वो इन दो के साथ एक तीसरे फर्द एक माविन की हैसियत से शामिल गए। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पर हमने जो टीम इकट्ठी करने की कोशिश की वो यही टीम इकट्ठी करने की कोशिश की जो आगे चलकर काम करे। इस किस्म के इंतखाबात में और इस किस्म की कलेक्शन में कहीं ना कहीं गलतियां भी इंसान से हो जाती हैं, और वो गलती बड़ी कोई गलती नहीं होती, मिजाज की गलती होती। बुनियादी तौर पर जमीयत में ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम जो इनोवेट किया वसीम शफी अल्लाह वाला और फैसल वहाब ने, बहुत अच्छा है और हमारी जरूरत है, हमने उसके मुताबिक किया। लेकिन हम अपने बाज दोस्तों के मिजाज को जमीयत के मिजाज में ढाल नहीं सकते। जमीयत पंजाबी सौदागरा ने दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, SPCCI, कराची स्टॉक एक्सचेंज, ICI, IBM या नेशनल रिफाइनरी नहीं है। जमीयत पंजाबी सौदागरा ने दिल्ली एक ऐसा इदारा है कि जहां साहेब हैसियत से लिया जाता है और जरूरतमंद तक पहुंचाया जाता है। जमीयत पंजाबी सौदागरा एक ऐसा इदारा है कि जहां एक बीमार के इलाज के लिए रात को जागा जाता है और उस इलाज में खर्च होने वाले पैसे को इकट्ठे करने के लिए दोपहर को फोन किया जाता है और मांगा जाता है। हम ऐसे हर मिजाज के खिलाफ हैं जो अल्लाह के दिए हुए पैसे, ये अल्लाह का माल है जो जमीयत में जाकर जमा होता है, ये मेरे या आपकी कोई पर्सनल जाती मिल्कियत नहीं है, हम इसको खर्च करते हुए खुदा खौफी, खुदा तरफी और अल्लाह को जवाबदेही के एहसास के साथ होना चाहेंगे। हम जरूरतमंद अगर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% अपनी मुश्किलात को सही और सही दुरुस्त और सच बयान कर रहा हो, बल्कि बस औकात ऐसा भी हो जाता है कि वो अपनी जरूरत की शिद्दत को बयान करने के लिए मुबालगे से काम देता है। हमें इस बात पे इतराज है और हमें बिल्कुल जायज इतराज है कि हम उसके मुबालगे को उसका गुनाह करार देकर उसकी असल जो जरूरत है उस तक पहुंचने के बावजूद उसकी मदद करने से इनकार क्यों करते हैं। ये कोई हक नहीं है हमें कि हम उस जरूरतमंद को झूठ की सजा देने के लिए हम बैठे हुए हों, जबकि मेरी गलतियों की सजा अल्लाह पाक मुझे नहीं दे रहा और मुझे नवाज रहा है, और मैं अल्लाह ताला से भी जो अपने गुनाहों की माफियां मांगता रहता हूं तो उससे माफियां मांगने की तो मुझे हक है और मुझे तवक्को है कि माफ कर दिया जाऊंगा, लेकिन माफ करने का जज्बा मेरे अंदर नहीं। हम इन रवैयों के खिलाफ हमने महसूस किया कि कुछ दोस्तों के साथ हमारा चलना मुश्किल है। फिर हम जब लोगों को महसूस करते हैं कि हमारा चलना मुश्किल है तो फिर हम नहीं चल रहे, तो हम नहीं चल रहे। हमारे पास कुछ दोस्त अहबाब हैं जो बाज़ औक़ात हमसे पूछते हैं कि भैया तुम लोग सब तौर पर, उसका एक ही जवाब है जो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि देखिए जब भी हम अपने कद से बड़े लोगों को लाते हैं तो उनका एक क्लब तश्कील पा जाता है वहां। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, वो क्लब बन जाता है और फिर काला आदमी जो उनको समझ में नहीं आता आम दिनों में, वो खास दिनों में भी समझ में नहीं आता। और ये रवैया भी मेरा ख्याल है कि काबिल इस्लाह है, हमें सोचना चाहिए इसे ठीक करने के लिए, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला मालो दौलत मुकद्दर से अता फरमाते, सलाहियतों से नहीं। मैंने कई अंगूठा छाप सरमायादार देखे हैं जिनके ऑफिस में MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लिहाजा बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज के और
सोप फैक्ट्रीज के मालकान ऐसे हैं कि जिनके पास वो कौन सी है भाई, अब तुम ही गाइड कर दो, वो एनईडी यूनिवर्सिटी के और इंजीनियरिंग डीगर यूनिवर्सिटीज के जो लोग होते हैं डिग्री होल्डर, वो उनके इदारे के अंदर बाकायदा काम कर रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाते हैं उसे अपने फजल से, अपने कर्म से। लेकिन मेरी गलत फहमी ये है कि चूंकि मुझे पैसे ढेर सारे हैं तो मेरे पास फैसला करने की भी सलाहियत ढेर सारी है और मैं फैसला भी बड़ा अच्छा कर सकता हूँ और मुझे मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। बस ये बातें इख्तलाफ का सबब बनती हैं और कोई बात इख्तलाफ का सबब नहीं बनती। ये छोटी सी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। आज आप हजरात बैठे हैं तो उसमें माशाल्लाह सरमायादार भी तशरीफ फरमा है और मेरे जैसे और आपके दरमियान दूसरे लोग भी मिल जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये बज़्म अहबाब है और 1973 से मैं देख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि जिस रोज बज़्म अहबाब नहीं रहेगा खुदा ना खास्ता, उस वक्त जमीयत में हर तबके और हर तबका फिक्र के लोगों की नुमाइंदगी नहीं होने। मैं ये बात बड़े यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर बज़्म अहबाब नहीं रहेगा तो हर वॉक ऑफ लाइफ का, हर तबके का नुमाइंदगी नहीं होगी। फिर जो सिकंदर है वो सिकंदर ही। ये बात आप लोग जहन में रखिए, बज़्म अहबाब किसी इंसान की फर्द की नहीं बिरादरी की जरूरत है। ये बात मैं वाज़े तौर पे आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बज़्म अहबाब फर्द की नहीं बिरादरी की जरूरत है। इसको संभाल के रखना, इसको लेके चलना आपकी और हमारी मुश्तरक जिम्मेदारी है। इसलिए कि पहले जो फर्क बाज इलाकों में और बाज इलाकों के दरमियान गुनाया गिनवाया जाया करता था, जिसका जिक्र होता था, वो पहले बहुत छोटे साइज का जिक्र था, अब वो दिलों में जड़ पकड़ चुका है और एक बहुत बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बिरादरी को एक रखने के लिए, नॉर्थ कराची से लेकर और दिल्ली कॉलोनी तक की बिरादरी को एक रखने के लिए एक ऐसे ग्रोह की जरूरत है जो तबकाती फर्क को मिटाते हुए बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा रखे, जमा करने की कोशिश करते रहे, आवाज देती रहे और उन्हें मुत्तहिद रखे। इस मौके से फायदा उठाते हुए एक बात मैं आपसे और जरूर कहूंगा, ये बात मैं इंशाल्लाह बज़्म अहबाब में अगर भाई फजल रबी ने मुझे मौका दिया तकरीर करने का जरूर अर्ज करूंगा बड़े जलसे में भी कि देखिए इस वक्त पंजाबी सौदागर बिरादरी में बहुत बड़ा मसला एक पैदा हुआ हुआ है और वो है खानगी उमूर में अजदवाजी रिश्तों में आने वाली बेरुखी, तलखी, खराबियां। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो यहां बैठे हैं 5100 और 51,000 के मेहर से आगे बढ़ने के लिए लोगों को तैयार करें। ये इतनी छोटी रकम की वजह से बाज रिश्तों को अहमियत नहीं दी जा रही। मैं चूंकि सदर साहब का शागिर्द हूं और सदर साहब घरेलू उमूर के अंदर जब मफाहमत करा रहे होते हैं तो मेरे कानों में बात पड़ती रहती है। मुझे बहुत रंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारी बिरादरी में मियां बीवी के रिश्तों के अंदर वो तकद्दस कम हो गया है जो हमारी बिरादरी का खासा था। अपने बच्चों को इसके सबक देने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी कीजिए जो छोटी छोटी शिकायतों को बड़े फैसलों का सबब बना देते। ये बहुत बड़ा मसला है। मेरे इल्म में है कि बाज जगहों पर जहां सरकारी रजिस्ट्रेशन होती है, हमारे यहां से तकरीबन 1 तलाक रोज का केस पेश होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा फर्ज है, अगर हम समझते हैं कि हमें बिरादरी के लिए काम करना है, अगर हम समझते हैं कि हमने अपनी बिरादरी के रवैयों में तब्दीली लानी है, तो ये हमारी बिरादरी का बहुत बड़ा मसला है। भाई इकबाल खुलकशा वाला तशरीफ फरमाए, इनसे भी पूछ लीजिए, यहाँ और भाई नवाब मुगनी साहब, भाई अब्दुल्ला प्रेस वाला साहब, ये सब लोग जो बैठे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में, भाई दानिश ज़िया, ये सब जो साहिबान यहाँ बैठे हैं, भाई जफर कपड़े वाले हमारे, कि ये सब लोगों के सामने इस किस्म के मामला इनके इलाकों से आ रहे होंगे, आ रहे हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हौसला शिकनी की जाए। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी बिरादरी का, इसको हल होना चाहिए।
मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं मालूम कि भाई फजल रबी के फॉर्मेट में और क्या कुछ है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर अर्ज कर दूं कि ये इंतखाब आपका इंतखाब है। 1 से 13 हजार जो उम्मीदवार हैं ये आपका इंतखाबी निशान है। अगर 1 से 13 में कोई भी हारता है तो ये 13 आदमी में से कोई नहीं हारेगा, आप लोग हार जाएंगे। लिहाजा इस इलेक्शन को आपका इलेक्शन है, जैसा आपका है वैसा आप समझें। अपने इलाकों में, अपने हलकों में, अपने दोस्त अहबाब में इन तमाम इस काम को लेकर आगे बढ़िए। हम तो अल्लाह के भरोसे के ऊपर अपने नाम पेश कर चुके बज़्म अहबाब के कारकुनान, अब बज़्म अहबाब के साथ ही सपोर्टर्स का काम है कि वो इन नामों को लेकर 1 से 13 को आगे चलें और मामलात को आगे लेकर बढ़ाएं, लोगों को कायल व माकूल करें। मैं एक तारुफ आपसे और कराना चाहूंगा कि पता नहीं भाई अनीस एजाजी ने तकरीर करनी है कि नहीं। भाई अनीस एजाजी आपसे दरखास्त है, अगर खड़े हो जाएं। भाई अनीस एजाजी हमारे उम्मीदवार हैं इस मरतबा, 1 से 13 में इनका नाम है। गुज़िश्ता 4-5 साल से इमदाद सब कमेटी, एजुकेशन और हेल्थ में काम कर रहे हैं और 2 साल कबल मरियम बटला हॉस्पिटल जो मलीर में है और अल्लाह बख्शे भाई शफी बटला के खानदान का अतिया था, ये 1998 के बाद से पहली बार अपनी कारगुजारी फखरी अंदाज में पेश करने के लायक हुआ है। इनकी मेहनत है शाबाश। और आई का एक ऐसा शोभा वहां कायम किया है डॉक्टर इब्राहिम बाड़ी साहब की सरकर्दगी में, जो वहां इस वक्त 90 पेशेंट्स रोजाना खिदमत अंजाम दे रहा है। ये वो हॉस्पिटल था कि इनसे दरखास्त की थी मैंने कि अगर आप इसको चलाने में कामयाब नहीं हुए तो भाई अनीस एजाजी फिर इस जगह स्कूल खोल देंगे ताकि मौती को किसी शक्ल में कोई अजर तो मिले, ये तो बेकार पड़ा हुआ। इस जगह के लिए हमने, इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमने शोफर ड्रिवन एम्बुलेंसेस तक फराहम की एडमिनिस्ट्रेटर्स को माजी में, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, अखराजात जू के तू रहे। उसके बाद हमने फिर एक जिम्मेदारी दी भाई इकबाल सुरक्षा वालों को 3 साल पहले, 1 साल आपने वहां खिदमात अंजाम दी और उसको थोड़ा सा कोशिश की अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन हमारे यहां वो कहते ना पाकिस्तानी जो थे वो उनके कुएं के ऊपर कोई गार्ड नहीं था जन्नत में है जी, तो वो गार्ड इसलिए ही नहीं था कि उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे की टांग आराम से खींच लेते हैं, तो इनके लिए ये बाहर निकल के कुएं से कोई नहीं जाएगा। तो यहां तरीका ये होता है कि आप ज्यादा अच्छा काम करें और लोगों के दिलों में ज्यादा बड़ी जगह बनाने की कोशिश करें और अल्लाह के हुजूर ज्यादा रिकत के साथ अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह पाक कबूल फरमाता है और लोग कामयाब हो जाते हैं। एक सेहतमंद रवैया ये है, एक खराब रवैया ये है कि आप अखबार निकालें, आप नेगेटिव SMS चलाएं और आप किसी शख्स को दागदार या किसी इदारे को दागदार या किसी कुछ अफराद को दागदार या किसी ग्रोह को दागदार कर दें, उनके ऊपर उंगली उठाएं और उनके कैरेक्टर को 0 करार देने की कोशिश करें और कहें ये 0 है चूंकि, तो इसलिए मैं 0.1 होने की वजह से मुझे कबूल कर लो। तो ये जो रवैया है ये रवैया काबिल मजम्मत है। असल चीज ये है कि हम बहुत सारी खामियों के साथ काम करते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि साहब तुमको जरा अब्दुल खालिक अलावाला टाउन के बारे में बात करो तो मैं कहूं साहब हमने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, कोई जवाब नहीं है अच्छे काम का। सिर्फ मसाइल को कम करने की थोड़ी बहुत हम कोशिश करते रहे हैं, कोई बड़ी कामयाबी अब्दुल खालिक अलावाला टाउन के मसले से हमसे वाबस्ता नहीं है। हाँ ये बात जरूर हम एक दावा कर सकते हैं कि बज़्म अहबाब को जब जब ड्राइविंग सीट मिली बज़्म अहबाब ने उसके लिए दूसरों से मुकाबले में और हमें ही ज्यादातर ड्राइविंग सीट मिली। हमने कोशिश बहरहाल मुतालिका शोबों में मुतालिका इदारों में सर गाड़ी और पैरपैया कर कर कोशिश की, कभी कामयाबी हो गई थोड़े से काम मसाइल हल हो गए, कभी कामयाबी नहीं हुई थोड़े से मसाइल हल होना बाकी रहे। लेकिन जो इस वक्त हम ओवरऑल सिचुएशन में देखें मसाइल थोड़े से हैं, लेकिन वहां रिहाइश पजीर हमारे भाई और हमारे अफराद बरादरी उनके लिए वो सुहाने रूह है जो वहां मसाइल है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे घर के आगे वो आलम हो सीवरेज के पानी का तो हम उस घर से अपने निकलेंगे कैसे, जो उस तरह से वो लोग जिंदगी वहां गुजार।
उसके लिए हमारे भाई सलीम बटला ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो इंतखाब का मौजू हम नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे कि इंतखाब का मौजू तो इंशाल्लाह तआला वो अगले साल होगा, इंशाल्लाह वो अगले साल हमारे इंतखाब का मौजू होगा, इस साल हम नहीं बनाएंगे। हमने अपने साथियों से बहुत सारी मुशावरत की है, टाउन के साथियों से भी की है, और उनके साथ हमने आइंदा के कुछ लाहे अमल के लिए इब्तदाई खाके को भी तश्कील दिया है। इंशाल्लाह तआला बज़्म अहबाब उसको भी पूरा करेगा इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करूंगा भाई वसीम फिरोज के साहबजादे तशरीफ लाए हुए, वो लाहौर गए हुए, जहां जरा खड़े हो जाएं भाई। कौन साहब है? भाई नफीस के साहबजादे हैं। भाई खड़े हो जाएं यार आप, माशाल्लाह भाई। भाई नफीस गए हुए चाइना, तो कहते हैं कि चाइना में सभी कैसे होते हैं, तो मैंने बेटे तो खड़ा कर दिया है साहब तारुफ के लिए। भाई नफीस गोरों वाले हमारे हमारे पुराने साथी, जमीयत में बज़्म अहबाब में तवील अरसे तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने उनसे दरख्वास्त की कि भाई नफीस अब आप भी साथ में आ जाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे साथ हमारी रफाकत निभाने का किया, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब साथी हमारे। और डॉक्टर तारिक ईरानी तशरीफ ले आए हैं जनाब फजल रबी। वाखिरु दावाना अनिल हमदा रब्बिल आलमीन।